नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ग्राफ बेस्ड डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद ये कितना खूबसूरत दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने सिलाई में 17 फंदे डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये पहला लाइन है, तो आप अगर फंदे बढ़ाने हैं तो रॉन्ग साइड से बढ़ा सकते हैं। तो डिज़ाइन का पहला लाइन, पहला फंदा अपने प्राइमरी कलर से सीधा बुन लें, फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, 1, 2, 3। इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है और लास्ट फंदा प्राइमरी कलर से सीधा आएगा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड जो जिस कलर का फंदा दिखाई दे रहा है उसी रंग से उल्टा बुन देंगे, यानी एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर 3 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। थर्ड रो और फ्रंट साइड पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर 5 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5। फिर छठा फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर 5 फंदे प्राइमरी कलर से सीधा और अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड जो जिस रंग से बुना गया है उसी रंग से उल्टा बुन दिया जाएगा। एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर 5 फंदे प्राइमरी कलर से उल्टे। छठा फंदा सेकेंडरी कलर से होता। तो इन्हीं 8 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 3 फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा, अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा। इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 3 फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा, अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा और लास्ट फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे, जो जिस रंग से है उसी रंग से उल्टा। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड सेवेंथ रो फिफ्थ रो की तरह ही बनाया जाएगा, यानी पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा, अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर 3 फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा, अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा। इन्हीं 8 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। नाइन्थ रो थर्ड रो की तरह बनाया जाएगा, यानी पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, दूसरा फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, अगला प्राइमरी कलर से सीधा, 5 फंदे प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा। इन्हीं 8 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा,
फिर पांच फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा और लास्ट फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, जो जिस रंग से दिखाई दे रहा है उसी रंग से उल्टा। ग्यारहवां लाइन फिर पहले लाइन की तरह हो जाएगा, यानी कि पहला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे। अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे। इन्हीं आठों फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। फिर अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा और फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा और लास्ट फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, जो जिस रंग से दिखाई दे रहा है उसी रंग से उल्टा। 13th रो और फ्रंट साइड, यहाँ पे हमारा पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। तीन फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, नेक्स्ट प्राइमरी कलर से सीधा, फिर सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर पांच फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। एक, दो, तीन, चार, पांच। नेक्स्ट फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर सेकेंडरी कलर से सीधा और फिर पांच फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। यहाँ पे हमारे पास लास्ट में तीन फंदे हैं, तो तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। 13वीं लाइन में इन्हीं आठ फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। तीन फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर दो फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। इन्हीं आठ फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। 15वीं लाइन और सामने से दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। एक, दो, अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे यहाँ पे सेकेंडरी कलर से सीधे। एक, दो, तीन। अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर दो फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा। हमारा ये जो बॉक्स है अब वो यहाँ पे बन रहा है। साइड में दो ही बनेगा और बीच में तीन तीन फंदे रहेंगे। ये बॉक्स अब यहाँ बन रहा है। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बनाए जाएंगे, जो जिस रंग से दिखाई दे रहा है उसी रंग से उल्टा। 15वीं लाइन की तरह ही बनाया जाएगा, यानी कि दो फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर प्राइमरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा। 15वीं लाइन को हम फिर से दोहराएंगे, यानी जहाँ जो दिखाई दे रहा है उसी पर हम फिर से बुनते चले जाएंगे। और रॉन्ग साइड से भी जहाँ जो रंग दिखाई दे रहा है उसी रंग को बुनेंगे उल्टा। उन्नीसवीं लाइन और सामने से तीन फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, नेक्स्ट प्राइमरी कलर से सीधा, फिर सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर पांच फंदे प्राइमरी कलर से सीधा। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा,
एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, और यहाँ पे शुरुआत में तीन फंदे हैं और लास्ट में भी तीन फंदे रहेंगे, और बीच में यहाँ पे पांच फंदे हो जाएंगे, यानी ये बॉक्स जो है वो पांच फंदों से बंद हो जाएगा। तो लास्ट में तीन फंदे सीधे। इन्हीं आठों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, और रॉन्ग साइड से जहाँ सभी फंदे उल्टे, जो जिस रंग से हैं उसी रंग से उल्टा। इक्कीसवीं लाइन से फिर पहली लाइन शुरू हो जाएगी, यानी एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधे, फिर एक फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर से सीधा। इन्हीं आठों फंदों को पूरी लाइन में दोहराना होगा। 20 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है, और इन्हें दोहराते रहने से ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। इसमें मैंने प्राइमरी कलर को लाइट रखा है और सेकेंडरी कलर को डार्क रखा है, और इसमें मैंने सेकेंडरी कलर को लाइट रखा है और प्राइमरी कलर को डार्क रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।